रोहतक में भी कठुआ जैसी वारदात सामने आई है। दिल को दहला देने वाली इस वारदात में बच्ची से रेप के बाद उसका हाथ गायब मिला है। 8 साल की मासूम का शव बैग में मिला है। बच्ची के साथ बेरहमी के बाद उसका शव नहर में फेंक दिया गया, उसका एक हाथ गायब है। पुलिस अब जांच के बाद आरोपियों का पता लगाने का दावा कर रही है। सूचना मिली थी एक बैग में जो ना मैं टिटोली मारने टैल पे एक नाश है, जिस इतला पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पहुंचा और जाके देखा था एक बच्ची की, छोटी बच्ची की उम्र 10 साल की नाश जो ना एक बैग नीले रंग के बैग में डली हुई थी, हरे रंग के बैग में, जिसको बाहर निकाला देखा लड़की है और उसका एक दाने हाथ का जो है ना जानवरों ने पंजा खाया हुआ है और बाकी बात पोस्टमार्टम जैसी हो कार्रवाई में लाएंगे।